दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सच्चिदानंद एकेडमी पर। जैसे कि आप सबको पता है कि जो बार्क के लिए हमने एक नोटिफिकेशन के लिए हमने जॉब अलर्ट निकाला था कि बार्क में जो है असिस्टेंट साइंटिस्ट के लिए एक पोस्ट आई है, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हमको क्या स्ट्रेटजी रखनी है, क्या करनी है। अगर हमारा जो है 2000 गेट जो 2022 का एग्ज़ाम है वो अच्छा नहीं भी हुआ है, तो कैसे हम उस अपॉर्चुनिटी को अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए जो है बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी लाए हैं कि कैसे हम अपने एग्ज़ाम को अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रेटजी में हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल और ईसी के लिए क्या क्या हमारे पास सिलेबस रहने वाला है। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें जो है जो अपने अनुभव के हिसाब से जो है इसके अंदर हाईलाइट की है कि कौन कौन से जो है प्रीवियसली सब्जेक्टेड हमको अच्छे से देखने को मिले हैं और किन किन का वेटेज जो है कम है। तो सबसे पहले आइए हम सिलेबस की यहाँ पे बात करते हैं। तो जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है जो पिछले कई सालों से जो है वो 5-6 मार्क्स का पूछा जा रहा है, और उसमें बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं जिनसे हम आसानी से 5 या 6 मार्क्स ला सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं एनालॉग के अंदर ऑप एम्प वगैरह से काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, BJT हुआ, डायोड सर्किट्स हुआ या जीनर डायोड। तो इनमें क्या है, हम एक बार पढ़ के इनमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके भी 5 या 6 नंबर ला सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ा और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो है वो नेटवर्क। नेटवर्क को यहाँ हमने डिफ़िकल्ट में क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजिट के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी अच्छे से देखे जा सकते हैं, क्योंकि जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाले जो DAE या बार्क वाले जो होते हैं वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं हमारे नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम और पावर सिस्टम और मशीन्स पर, इसलिए इनमें से जो है थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे नेटवर्क्स में हम देख सकते हैं कि टाइम रिस्पॉन्स से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसको और जिसका जो वेटेज है वो 12 से 17 मार्क्स का होता है, इसलिए इसको भी डिफ़िकल्ट में रखा गया है। फिर आते हैं सिग्नल सिस्टम। सिग्नल सिस्टम्स में हालांकि छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि नॉर्मल ऑपरेशन बेस्ड टूल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इनमें भी हम 5 से 7 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। फिर आता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम से में भी काफ़ी वाइड रेंज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि राउथ हार्डविट्स में अगर उसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर नाइक्विस्ट और बोर्ड प्लॉट से पूछे जा सकते हैं। तो इससे भी हमें काफ़ी अच्छा जो एक मार्जिन 12 से 16 नंबर का देखने को मिलता है। फिर आता है पावर सिस्टम्स। तो पावर सिस्टम तो बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिकल के लिए कोर होती ही है, तो इसलिए इनमें से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे स्टेबिलिटी वगैरह, या हम बात करें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो बिल्कुल जो है थ्योरिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। फिर बात करते हैं मशीन्स की। तो मशीन्स का भी वेटेज 12 से 18 नंबर का होता है, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर, DC मशीन सबको इक्वल दिया जाता है, ज़्यादातर यहाँ पर DC मशीन से पूछा जाता है। फिर आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक मेजर वेटेज होता है, इसमें चॉपर, रेक्टिफायर वगैरह से काफ़ी क्वेश्चन जो है अब देखे जा रहे हैं, तो इसलिए ये इसको भी हमने 12 से 19 मार्क्स। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर केवल ये जो हमारे हाईलाइटेड सब्जेक्ट्स भी करके जाते हैं तो हम काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा डिजिटल जो है यहाँ पर 2 या 3 मार्क्स की देखने को मिलती है, तो इसको हम नॉर्मली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। EDC का यहाँ पर जो है मैंने मार्किंग इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि EDC का जो है यहाँ पर जो पोर्शन पूछा जाता है केवल और केवल बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन जो है हमें पूछा जाता है, तो इसलिए EDC की इतना मार्किंग नहीं है। और EMT जो है यहाँ पर वो इजी पूछा जाता है 1 या 2 नंबर का। फिर बात कर लेते हैं मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में भी यहाँ पर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डायरेक्ट मेजरिंग इक्विपमेंट्स से हमें क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है उसमें भी हालांकि थोड़ा बहुत पूछा जाता है, जैसे पिछले पेपर में जो है 3 से 4 नंबर का पूछा गया था, लेकिन मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को भी हमें अच्छे से करके जानी चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से भी कभी भी कोई भी सवाल वो लोग बना के इसका जो है वेटेज अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कि हम सबसे पहले जो इजी सब्जेक्ट है उनको अच्छे से करके जाएं, जिससे कि हमारा बिल्टअप हो जा सके, हम टारगेट बना के चलें कि फरवरी में हमें ये 2 सब्जेक्ट अगर हम अच्छे से कर पाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे कि हम नेटवर्क अच्छे से कर सकते हैं, एनालॉग वगैरह कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे हम इन सब्जेक्ट्स पर मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आएंगे यहाँ पर नेटवर्क थ्योरी, जो कि हम 1 या 2 दिन में चालू कर देंगे, उससे हम आपको पढ़ाना चालू करेंगे। बिल्कुल जो है
अच्छे से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे और फिर धीरे धीरे आगे वाले सब्जेक्ट भी आपके साथ लाए जाएंगे। तो आशा है आपको हमारा चैनल की जो वीडियोज़ है वो काफ़ी पसंद आई होगी। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले जॉब नोटिफिकेशन के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो है बार के एग्ज़ाम के रिलेटेड ऐसी क्वेरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।